आतंकी हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री पीएम मोदी। पठानकोट एयरबेस का करेंगे दौरा, सुबह 11 बजे पठानकोट पहुंचने की उम्मीद। पठानकोट हमले पर भारत के भेजे तथ्यों को लेकर पाकिस्तान में तेज की पड़ताल, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की दूसरी समीक्षा बैठक। आतंकी हमले के बाद पठानकोट एयरबेस को पूरी तरह साफ किया गया, 4 दिनों तक चला था आतंकी हमले के बाद सेना का ऑपरेशन। पंजाब के मोहाली में बीएसएफ का एक जवान गिरफ्तार, पाकिस्तान के हथियार और ड्रग्स तस्करों को मदद पहुंचाने का आरोप। बीएसएफ की 52वीं बटालियन में तैनात था आरोपी अनिल कुमार, आज तक से खास बातचीत में कबूला गुनाह। मोहाली के एसएसपी ने कहा बीएसएफ का गिरफ्तार जवान पाकिस्तानी तस्कर इम्तियाज के संपर्क में था, फेसबुक के जरिए पाक तस्कर से हुई थी मुलाकात। गिरफ्तार बीएसएफ जवान अनिल ने कबूला, पाकिस्तानी तस्कर इम्तियाज ने गरीबी दूर करने का दिया था भरोसा। आरोपी बीएसएफ जवान अनिल का कबूलनामा, पाकिस्तानी तस्कर ने मुझे 50,000 और पत्नी के अकाउंट में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। जासूसी के आरोप में पठानकोट से गिरफ्तार एयरफोर्स के आरोपी जवान को मिली जमानत, गिरफ्तारी के बाद से आज तक चालान नहीं पेश कर पाई पुलिस। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पाकिस्तान से लगी पंजाब की सीमा पर ज्यादा बीएसएफ जवानों की तैनाती की मांग। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का बयान, पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान है आतंकवाद का केंद्र। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने महबूबा मुफ्ती और राज्य बीजेपी अध्यक्ष को लिखा पत्र, सरकार बनाने के लिए दिया न्योता। हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह के केस में सूरत क्राइम ब्रांच ने जिला अदालत को सौंपी चार्जशीट, 370 पन्ने की चार्जशीट के साथ 1000 पन्ने की सीडीआर डिटेल। हार्दिक के खिलाफ चार्जशीट में मीडिया पर हमले और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का जिक्र। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होगा राम मंदिर का निर्माण। एसपी विधायक बुक्कल नवाब ने कहा अयोध्या में राम मंदिर के मुस्लिम भी हैं पक्षधर, मंदिर बना तो 10 लाख रुपए और सोने का मुकुट राम लला को करेंगे दान। तो हम मंदिर के अंदर जो है 10 लाख रुपया जो है ये 15 मार्च से पहले 10 मार्च को हम 10 लाख रुपया इनको हम देंगे, वहाँ पर दान करेंगे मंदिर को, और सोने का मुकुट जो है भगवान श्री रामचंद्र जी रामलला के जो है के लिए जो है हम उनको एक सोने का मुकुट भी उसके ऊपर चढ़ाएंगे। बुक्कल नवाब ने 15 मार्च 2017 को कहा पुनर्गठित होगी एसपी सरकार, इस दौरान अगर हो गया राम मंदिर का निर्माण तो खुद वहां जाऊंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय राम जन्मभूमि पर आज से सेमिनार का आयोजन, अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ करा रही है सेमिनार। राम मंदिर पर डीयू में सेमिनार से हंगामे के आसार, एनएसयूआई सीवाईएसएस जैसे छात्र संगठन कर रहे हैं विरोध, टीचर एसोसिएशन ने सेमिनार के आयोजन से नाराज। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने चंबल इलाके का किया दौरा, चंबल नदी के किनारे विश्राम किया। शिवपाल यादव ने कहा यूपी में भारत के किसी भी प्रदेश से बेहतर है कानून व्यवस्था, मोदी सरकार के अच्छे दिनों का अभी इंतजार। मायावती को आने वाले जन्मदिन पर बोले शिवपाल यादव, बहन जी को आने वाले जन्मदिन की बधाई, फूलों के तोहफे पर करूंगा विचार। अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ सेल्फी दिखा कानपुर में लोगों को धमका रहा है हिस्ट्री शीटर धीरज, कल्याणपुर इलाके में एक घर पर हमला किया। हिस्ट्री शीटर धीरज पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज, पुलिस हाथ नहीं डाल रही। यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष तनवीर खान लुटेरे को छुड़ाने के लिए किया थाने का घेराव, घंटों चले हंगामे के बाद दारोगा सस्पेंड। पश्चिम बंगाल में किसी भी दूसरी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तमाम संभावनाओं को खारिज किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सभी राज्यपालों को नसीहत, संविधान के दायरे में रहकर निभाएं अपना कर्तव्य। कानूनी पेशे में भ्रष्टाचार की बात पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी जे ठाकुर ने कहा वकीलों को वापस लाना होगा सम्मान, बार काउंसिल के कार्यक्रम में बोले। मुंबई में योग गुरु रामदेव का ध्यान और योग शिविर का आयोजन, दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रामदेव।
कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला का विवादास्पद बयान, कहा छात्राओं को नहीं करना चाहिए फैशन, नसीहत दी किसी भी सौंदर्य प्रतियोगिता में न करें शिरकत। मैसूर में साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में बोल रहे थे राज्यपाल वजूभाई वाला, कहा छात्राओं को भौहें सेट कराने और लिपस्टिक लगाने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कॉलेज सौंदर्य प्रतियोगिता का प्लेटफॉर्म नहीं, छात्रों को बुरी लत छोड़ने की सलाह दी। ऑड इवन की ड्यूटी से सरकारी विभागों का बुरा हाल, नंद नगरी इलाके में स्थित डीसी दफ्तर में एसडीएम की गैर हाजिरी से लगी लंबी कतार। ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करने वाली केजरीवाल सरकार प्रदूषण को गंभीरता का दावा भले कर रही हो, लेकिन दिल्ली के 39 सरकारी स्कूलों ने खोली सरकार के दोहरे चरित्र की कलाई, लकड़ी पर पक रहा है बच्चों का खाना। नेशनल स्कूल गेम के लिए दिल्ली में ठहरे करीब 1500 बच्चों के लिए लकड़ी पर गर्म होता है नहाने का पानी, नाश्ता और भोजन भी लकड़ी पर ही पकता है, कैंपस में हर तरफ दिखा धुएं का गुब्बार। खबर के लिए मुखर्जी नगर के मॉडल टाउन के एक स्कूल में पहुंची आज तक की टीम से एक अधिकारी ने की बदसलूकी, लकड़ी पर खाना पकाने का विजुअल लेने से रोका। आज तक की टीम को धक्का देकर स्कूल से बाहर निकालने की गई कोशिश, इस दौरान कैमरे को देखकर मीडिया की टीम के पीछे छिपने की कोशिश करता दिखा बदसलूकी करने वाला शख्स। धुएं से प्रदूषण से जुड़े सवाल पर स्कूल के स्टाफ ने दी अनोखी दलील, कहा हवा में ऊपर उठ जाता है धुआं, दिल्ली में नहीं दिखेगा असर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में एक शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस से परेशान होकर शिकायत करने पहुंचा था पीड़ित। 9 जनवरी से दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन, 30 से ज्यादा देश होंगे शामिल, 17 जनवरी तक जारी रहेगा आयोजन। विश्व पुस्तक मेले में बच्चे 10 रुपए के टिकट से और वयस्क 20 रुपए के टिकट से कर सकेंगे एंट्री, 47 मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेंगे पुस्तक मेले के टिकट। बिहार के गया में लाखों की दवाइयां डस्टबिन में फेंकी गई, मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर बयान देने से बचे। झालावाड़ में शौचालय निर्माण के लिए रुपए पास न कराने पर मारपीट, ग्राम पंचायत सचिव का हाथ तोड़ा, सिर कमर पैर पर गंभीर चोट। पैगंबर मोहम्मद पर हिंदू महासभा के नेता के आपत्तिजनक बयान पर पूर्णिया में हिंसा, मुस्लिम समाज की रैली के दौरान हुआ बवाल। रैली के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने थाने में की तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला। बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर का बयान, पूर्णिया में हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पूर्णिया और मालदा में हुई हिंसा पर बीजेपी ने जताई चिंता, पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा पूरे मामले की होनी चाहिए जांच। रविवार को मालदा के कलिया चौक में हुई रैली के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले नेता का वीडियो सामने आया, इसी के बाद भड़की थी हिंसा। बिहार के हाजीपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक क्लिनिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दो बदमाशों ने क्लिनिक पर करीब 12 राउंड गोलियां दागी, बाद में हथियार लहराते हुए फरार हुए। डॉक्टर के मुताबिक मरीज दिखाने के दौरान नंबर सिस्टम को लेकर फायरिंग की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में कोबरा पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, खैरा गांव के जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल के कंधे में लगी थी गोली। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया, AK-47, एक SLR, एक कार्बाइन, 2 पुलिस राइफल और तमाम जिंदा कारतूस मिले। छपरा में पुल निर्माण कंपनी को धमकाने के मामले में बिहार पुलिस को कामयाबी, 9 नक्सली गिरफ्तार। गाजियाबाद में दहशत में है उद्योगपति मनीष गंगनेहा का परिवार, कुछ लोगों ने मनीष की कार पर की फायरिंग। कार पर गोलीबारी के बाद बदमाशों ने मनीष के घर भेजा अर्थी का सामान और कारतूस, जांच में जुटी पुलिस।
राजधानी दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में नाबालिगों के बीच हुई चाकूबाजी, एक घायल लड़का जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़की ने प्यार में मिले धोखे के बाद की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लड़के पर गलत धर्म की जानकारी का आरोप लगाया। भुवनेश्वर में नक्सलियों ने किया बारूदी सुरंग विस्फोट, एक अधिकारी और एक जवान शहीद। ग्रेटर नोएडा में घर वालों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूट की बड़ी वारदात, तीन घरों को बदमाशों ने बनाया निशाना। पीड़ित परिवारों के मुताबिक करीब 3 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लूटकर आरोपी फरार, 3 दिन में सामने आ चुकी है आधे दर्जन से ज्यादा वारदात। संत कबीरनगर में चुनाव में हारे उम्मीदवार ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से पिटाई की, वोट न देने से आरोपी था नाराज। यूपी के हाथरस में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद, गला दबाकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में तहसील का रिश्वतखोर पटवारी समेत 2 गिरफ्तार, 30,000 की ले रहा था रिश्वत। इलाहाबाद में कानून की उड़ी धज्जियां, पाबंदी के बावजूद पंचायत चुनाव में जीत पर एसपी का विजय जुलूस। हरदोई में पति की हैवानियत, पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर जिंदा मिट्टी में दफनाया, आरोपी फरार। लखीमपुर खीरी में कांस्टेबल ने उड़ाई कानून की धज्जियां, बीच सड़क पर नशे में धुत मिला सिपाही। गोरखपुर में डबल मर्डर, घर में घुसकर इंजीनियर और पत्नी की हत्या। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर की यूपी के मंत्री नेताओं के साथ सेल्फी सामने आई, सेल्फी की धौंस दिखाकर केस करने वालों को धमकाने का हुआ खुलासा। जैसलमेर में बस और जीप की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोग कलाकारों समेत 7 की मौके पर ही मौत, 23 छात्राएं भी जख्मी। कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में वकीलों का मौन प्रदर्शन, सुल्तानपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ मनाया गया विरोध दिवस। यूपी के महोबा में सूखे से बदहाल सैकड़ों महिलाओं ने किया प्रदर्शन, तहसील परिसर में जमकर की नारेबाजी। राजकोट में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बैलगाड़ी खींचकर किया अनूठा विरोध, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। फरुखाबाद के फतेहगढ़ में फर्जी कागजातों के आधार पर सेना में बहाली का खुलासा, 13 लोग गिरफ्तार। बक्सर में 3 लोगों की ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका, 2 महिलाओं और 1 बच्चे की लाश मिलने से सनसनी। देश के पहले मेक इन इंडिया वीक की मेजबानी करेगा महाराष्ट्र, फरवरी के दूसरे हफ्ते में है आयोजन, दुनिया भर से आए करीब 10,000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, ये दुनिया को दिखाने का मौका है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश से गिरा पारा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में तेज होगी बारिश और बर्फबारी। महाराष्ट्र में अब किसानों को आत्महत्या करने से रोकेंगे पीड़ित बच्चे, नुक्कड़ नाटक के जरिए खुदकुशी कर चुके किसानों के बच्चे बदहाल किसानों को सुनाएंगे अपनी व्यथा। नासिक के आधार तीर्थ आश्रम में हो रहा है खुदकुशी कर चुके किसानों के 115 बच्चों का पोषण, ऐसे 1,235 बच्चे अभी प्रतीक्षा सूची में हैं। मुंबई में 66 साल के बुजुर्ग ने ऊंचे टावर पर चढ़कर दर्ज कराया विरोध, पुलिस की प्रताड़ना से है परेशान। पश्चिम बंगाल के हुगली में टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद, 40 बैग में थे 1,230 कछुए। पुलिस ने कछुओं की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वन विभाग को सौंपा बरामद किए हुए दुर्लभ प्रजाति के कछुए। इलाहाबाद में विंटेज बाइक के शौकीन इश्तियाक आलम के खजाने में मिली द्वितीय विश्व युद्ध की धरोहर, इस खास किस्म की पैराशूट बाइक अमेरिकी और ब्रिटिश फौज करती थी इस्तेमाल। 98cc की इस पैराशूट बाइक का 1942 में ब्रिटेन में हुआ था निर्माण, इश्तियाक के पिता ने 1965 में आर्मी की नीलामी में इसे खरीदा था।
ठीक नहीं मुंबई पुलिस की सेहत, एक सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा, 20% से ज्यादा जवान कोलेस्ट्रॉल के शिकार। पाकिस्तान से आई गीता को अब भोपाल के रणजीत सिंह ने बताया अपनी बेटी, कहा 27 साल पहले ट्रेन में बिछड़ गई थी गीता। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 89 बच्चों को बरामद किया, 56 बच्चों के माता पिता का पता चला। ग्रेटर नोएडा के बिसेड़ा कांड में मारे गए 1 लाख के परिवार को 4 फ्लैट दिए गए, पीड़ित परिवार को मिला 45 लाख रुपए का मुआवजा। राजस्थान के धौलपुर में स्वच्छता अभियान और पानी बचाने के लिए ग्रामीणों ने बैंड बाजे की धुन पर निकाली रैली, एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। अभिनेत्री राखी सावंत के भाई राकेश सावंत पर एक टीवी एक्टर से बदसलूकी का आरोप, मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छोड़ा। लोखंडवाला इलाके में एक कैफे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीती रात कॉफी पीने गई थी टीवी एक्टर, आरोपों के मुताबिक इसी दौरान राकेश सावंत और उनके दोस्तों ने कसी अश्लील फक्ती। स्टेयर कर रहा था गंदी नजरों से और उसके दोस्त मुझे देखकर हंस रहे थे और उसने मुझे देखकर यू नो आंख भी मारी। ओडिशा के कोरापुट में नक्सली हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद, एक जवान घायल, नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग में हुआ धमाका। फरुखाबाद के फतेहगढ़ में फर्जी कागजात के आधार में सेना में भर्ती होने की कोशिश करने वाले 13 लोग गिरफ्तार, उम्र में हेरा फेरी का शक।